Academy. This is the part two of photomorphogenesis. In this video, I'll discuss about cryptochrome and phototropin. In the end of this video, I'll also discuss some previous year questions related to this topic. So let's start with the introduction of cryptochrome. Okay, cryptochrome is care It is a chromoprotein. Okay, it is a flavoprotein. It's a blue light photoreceptor of plants. Okay, jo aapka phytochrome tha, that, was, that absorbs red and far red light, right? जो, फो, जो आपका क्रिप्टोक्रोम है ये ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है ठीक है द क्रिप क्रोमोफोर्स फॉर क्रिप्टोक्रोम आर फ्लेविन एंड टेरिन ठीक है जो आपका फाइटोक्रोम था उसके लिए जो क्रोमोफोर्स थे वो क्या था फाइटोक्रोमोबिलिन ठीक है इसमें जो है क्रोमोफोर क्रिप्टोक्रोम के लिए दैट इज फ्लेविन एंड टेरिन द मोस्ट कॉमन द थ्री कॉमन फ्लेविज आर राइबो फ्लेविन एफ एम एन एंड एफ ई डी जो फ्लेविज होते हैं ठीक है वो प्रोटीन्स के साथ मिलके फ्लेवो प्रोटीन्स बनाते हैं सो क्रिप्टोक्रोम इज़ अ फ्लेवो प्रोटीन क्रिप्टोक्रोम्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट स्पीशीज इंसेक्ट्स एंड मैमल्स क्रिप्टोक्रोम इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फोटोलायाइस ठीक है क्रिप्टोक्रोम जो होता है वो फोटो से स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है ठीक है uh, ये uh, जो है क्रिप्टोक्रोम ये इवॉल्व हुआ है फोटो लायाइस से फोटोलायस इज अ ब्लू लाइट एक्टिवेटेड इन दैट रिपेयर पिरेमिड इन डायमर इन डी ठीक है नेक्स्ट इज क्रिप्टोक्रोम इट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन सिरकार्डियन रिदम सिरकार्डियन रिदम जो है इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक इसमें क्रिप्टोक्रोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है इट वॉज डिस्कवर्ड एज एच वाई फोर प्रोटीन एंड लेटर रीनेम्ड एज क्रिप्टोक्रोम वन नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टोक्रोम क्रिप्टोक्रोम का स्ट्रक्चर देखो आ, इसमें ये है आपकी आ, इसमें जो है एक तो फोटो ये भी ड्रैमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसमें एक तो है आपकी फोटो लाइस होमोलोगी रीजन ठीक है पी एच आर डोमेन होती है दूसरी आपकी डी ए एस डोमेन होती है ये वाली जो डोमेन है ये आपकी फ़ोटो सेंसरी डोमेन है ठीक है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए और जो आपकी डी ए एस डोमेन है ये सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है इट ट्रांसड्यूस लाइट सिग्नल बाई इंटरेक्टिंग विद ई थ्री यूबिक यू टेन ठीक है ये जो अपना फंक्शन करती है क्रिप्टोक्रोम वो सिग्नलिंग uh, में कैसे इन्वॉल्व होता है ये सी टर्मिनल जो डोमेन होती है ये ई थ्री यूबी क्यूटन लाइगेस जो है कॉप वन उसके साथ बाइंड uh, करके ठीक है उसको उसके साथ बाइंड करके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती है ठीक है आगे सिग्नलिंग में इन्वॉल्व हो जाती है सो फोटो सेंसरी डोमेन आपकी है पी एच आर डोमेन और ये वाली है आपकी सिग्नलिंग डोमेन ठीक है इसमें और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एफ ए डी ठीक है एक तो इसमें एफ आपका फ्लेविन कॉम्पोनेट इन्वॉल्व होता है बाइंड होता है और एक एम ठीक है ये क्या है टेरिन और ये दोनों जो टेरिन है ये एब्जॉर्ब होता है 380 एटीन एनोमीटर पे जो फ्लेविन है ये एब्जॉर्ब होता है 450 फिफ्टीन एनोमीटर पे ओके नेक्स्ट आर क्रिप्टोक्रोम जीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रिप्टोक्रोम जीन्स इन रेबिड ऑप्शिस्ट थाल ठीक है थ्री जीन्स हैं क्रिप्टोक्रोम फर्स्ट इज क्राई वन क्राई टू एंड क्राई थ्री ठीक है जो क्राई वन है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका जीन है जो मोस्टली इन्वॉल्व होता है ठीक okay? है, है ये आपका न्यूक्लियर क्राई वन और क्राई टू ये दोनों आपके हैं न्यूक्लियर जीन्स जो क्राई थ्री है ये आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल जीन होता है ठीक है क्राई वन एंड क्राई टू आर न्यूक्लियर जीन्स वाइल क्राई थ्री इज क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रियल जीन नाउ क्राई वन इज लाइट स्टेबल ठीक है ये आपका लाइट स्टेबल है क्राई थ्री भी आपका लाइट स्टेबल है बट जो क्राई टू होता है ये लाइट सेंसिटिव होता है ठीक है क्राई वन शोज रिकार्डियम इंडक्शन ऑफ फ्लारिंग इनहेबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन ठीक है ये इसके कुछ फंक्शंस हैं क्राई टू जो है दैट इज इन्वॉल्व इन स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्टेलेट एक्सपेंशन इंडक्शन ऑफ लारिंग इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन ठीक है ये सारे इनके फंक्शंस हैं क्राई वन और क्राई टू के अब देखो जो भी फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं ठीक है थीके? अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए जैसे कि क्राई वन का म्यूटेटेड जो क्राई म्यूटेंट फॉर्म हो क्राई वन की ठीक है तो जो फंक्शन क्राई वन परफॉर्म करता था दैट मीन्स उसके म्यूटेंट फॉर्म में वो फंक्शन आपका नहीं होगा ठीक है इट्स म्यूटेशन कॉज इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल ये क्राई वन जो था ये इनहिबिशन करता था ठीक है इलोंगेशन की सो so, इसकी म्यूटेंट फॉर्म जो होगी उसमें क्या होगा इलोंगेटेड हाइपोकोटाइलिन ब्लू लाइट एंड डिक्रीज एंथोसाइन प्रोडक्शन जो क्राई वन होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन एंथोसाइनिन प्रोडक्शन ठीक है ये स्टिमुलेशन करता है एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन की सो so, अगर क्राई वन आपका म्यूटेंट फॉर्म में आ गया ठीक है म्यूटेंट क्राई वन अगर हो गया तो उसमें एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी ठीक है उसके बाद है क्राई टू अगर इसकी म्यूटेशन हो गई तो डिलेड इन फ्लारिंग होगी देखो इसमें फ्लारिंग इंड्यूज़ हो रही थी म्यूटेंट फॉर्म में डिले होगा फ्लारिंग में फाइन क्राई थ्री ठीक है इसके फंक्शंस इसमें नहीं दिए हुए नेक्स्ट इज जेट लुक फैमिली टेंट फैमिली क्या है ये एक फैमिली है ठीक है जो कि सरकार्डियन क्लॉक जो सरकार्डियन रिदम में आ, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विच इज नेसेसरी फॉर सरकार्डियन क्लॉक एंड डे लेंथ परसेप्शन नेक्स्ट इज मूड ऑफ एक्शन ऑफ क्रिप्टोक्रोम ठीक है जैसे फाइटोक्रोम का एक्शन था वैसे सिमिलर एक्शन है क्रिप्टोक्रोम का ठीक है डार्क में जैसे फाइटोक्रोम जो था दैट इज़ इनएक्टिव वैसे ही क्राई जो होता है वो डार्क में इनएक्टिव होता है और अगर इनएक्टिव होगा तो देखो एस पी ए वन पॉप वन जो है वो न्यूक्लियस में एंटर करेंगे और एच वाई फाइव को डिग्रेड कर देंगे और उसको अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिसके फोटो जिसके कारण फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है वो नहीं होगी ठीक है लाइट के केस में ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो क्राई वन है ये एक्टिव हो जाता है ठीक है एक्टिव हो गया तो ये एस पी एस पी ए और कॉप वन के साथ बाइंड कर जाता है ठीक है बाइंड कर गया तो इसका मतलब एच वाई फाइव जो है वो फ्री हो जाएगा एच वाई फाइव और एच एफ आर वन ठीक है ये दोनों आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि फोटोमोफोजेनिस में इन्वॉल्व होते हैं अगर क्राई वन आपका एक्टिव है ठीक है लाइट की प्रेजेंस में क्राई वन एक्टिव है उसने एस पी ए वन और कॉप वन को पकड़ के रख लिया जिसके कारण एच वाई फाइव जो है वो uh, अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि एस पी ए वन और कॉप वन जो है वो एच वाई फाइव पर बाइंड नहीं कर पाएंगे उसकी यूबिक्यूटेशन नहीं कर पाएंगे ठीक है अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्राई वन जो है वो एस पी ए वन एस पी ए और कॉप वन के साथ बाइंड कैसे करता है ठीक है इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कैसे करता है बाई सी टर्मिनल डोमे ठीक है जो डी ए एस डोमेन थी उससे ये बाइंड करता है क्राई वन की सी टर्मिनल डोमेन नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ क्रिप्टोक्रोम क्रिप्टोक्रोम के कुछ फंक्शंस हैं फर्स्ट इज हेल्प इन एंथोसाइन इन प्रोडक्शन स्टोमेटल ओपनिंग सरकार्डिन क्लॉक फोटोमॉर्फोजेनेसिस लाइट कैप्चर इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलॉन्गेशन कॉर्टिलिडन एक्सपेंशन इंडक्शन ऑफ लारी ठीक है opening, clock, capture, ये कुछ फंक्शन हैं क्रिप्टोक्रोम के नेक्स्ट इज सीसी ओवर एक्सप्रेशन दैट इज डार्क और लाइट ठीक है ये है म्यूटेंट फॉर्म क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन की क्रिप्टोक्रोम क्राई वन जो जीन है ठीक है उसकी म्यूटेंट फॉर्म जो क्राई सी सी टी का मतलब क्या है क्राई वन सी टर्मिनल ठीक है जो क्रिप्टोक्रोम की सी टर्मिनल होती है अगर वो ओवर एक्सप्रेस कर जाए तो उस म्यूटेंट फॉर्म का क्या फिनोटाइप होगा ठीक है क्या इफ़ेक्ट होगा देखो जो क्राई प्रोटीन होता है ठीक है उसकी सी टर्मिनल डोमेन वो किस में इन्वॉल्व होती है लाइट की प्रेजेंस में वो कॉप वन के साथ बाइंड करके उसको अपना काम नहीं करने देती जिसकी वजह से एच वाई फाइव जो होता है वो फ्री होता है और वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस परफॉर्म कर पाता है ठीक है बट ये जो प्रोसेस होता है नॉर्मली लाइट में होता है बट अगर ये ओवर एक्सप्रेस कर जाए सी सी टी अगर ओवर एक्सप्रेस कर जाए सी टर्मिनल डोमेन जो है ये ओवर एक्सप्रेस कर जाए उस टाइम पे क्या होगा ये लाइट में भी और डार्क में भी ठीक है दोनों में अपना काम करेगी ठीक है जो क्राई वन प्रोटीन है क्राई जीन का काम लाइट में भी एक्सप्रेस करेगा और डार्क में भी एक्सप्रेस करेगा दैट मीन्स चाहे वो डार्क हो चाहे वो लाइट हो अगर सी सी टी ओवर एक्सप्रेस कर गया दैट मीन्स वो कॉप वन और एस पी ए वन को अपना काम नहीं करने देगा ये एच वाई एच वाई फाइव को पकड़ने नहीं देगा ठीक है कॉप वन सॉरी ये एस पी ए वन और कॉप वन के साथ सी सी टी जो है वो बाइंड कर जाएगी और एच वाई फाइव फ्री हो जाएगा और फोटोमोफोजेनिस परफॉर्म करेगा इन लाइट भी और इन डार्क भी फाइन उसके बाद नेक्स्ट इज फोटोट्रॉपिन फोटोट्रॉपिन क्या है इट इज़ अ फ्लेवो प्रोटीन विच एक्टेज ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर ठीक है ये ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है इट इज लाइट एक्टिवेटिंग सीरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेस ये है लाइट एक्टिवेटिंग सीरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेस ठीक है इसकी जो सी टर्मिनल डोमेन होती है ठीक है वो सीरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनीस की तरह एक्ट करती है जो सिग्नलिंग वाली होती है इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम रेबिड इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग फोटोट्रॉपिज्म लाइट इंड्यूस्ड स्टोमेटोलोपिस और क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट्स ठीक है इसके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं स्टोमेटल ओपनिंग में क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट्स में नेक्स्ट देखो इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर क्या है फोटोट्रॉपिन का इसमें एक आपकी होती है फोटोसेंसरी डोमेन ठीक है दूसरी है आपकी सिग्नलिंग वाली सीरीन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन ठीक है जो फोटोसेंसरी डोमेन है उसके ऊपर LOV1 और LOV2 टू डोमेन्स होती हैं दैट इज लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज और ये बाइंड करके इसके साथ जो आपका क्रोमोफोर होता है दैट इज़ एफ़ एम एन ठीक है एफ एम एन ने बाइंड किया होता है दोनों डोमेन्स के साथ तो नॉर्मली क्या होता है ये वीक इंट्रैक्शन से बाइंड किया होता है इसने एफ़ एम एन ने ठीक है एलोवी डोमेन्स के साथ ये फोटो लाइट को सेंस करती हैं लाइट को सेंस करने के बाद कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं और ये वाली जो है डोमेन ये सिग्नलिंग का काम करती है ठीक है एंड टर्मिनल हाफ ऑफ फोटोट्रॉपिन बाइंड्स फ्लेविन मोनो एंड सी टर्मिनल डोमेन हैज़ करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ सीरिन थ्रियोनिन थ्रियन एंड टर्मिनल डोमेन फोटो डोमेन एंड कंसिस्ट ऑफ टू एलोवी डोमेन्स वी बाइंड्स टू क्रोमोफोर एफ एम एन नेक्स्ट देखो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस क्या आते हैं फोटो पे देखो जैसे ही ब्लू लाइट आई ये वाला स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको ठीक है जैसे ब्लू लाइट आई ब्लू लाइट के आने से ये वाली जो फोटो सेंसरी डोमेन है ये लाइट को रिसीव करेगी ठीक है इसमें कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे देखो जो एफएमएन थे इसमें वीक इंट्रैक्शन से बाइंड किए हुए थे एफएमएन इसमें कोविलेंट इंट्रेक्शन के साथ बाइंड कर जाते हैं ठीक है इसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन हो जाती हैं और सीरिन थ्रियोनिन काइनेस जो है इसकी फॉ ऑटोफॉसफ्राइजेशन हो जाती है ठीक है इसकी ऑटो फॉस्फ्राइजेशन हो गई तो उसके आगे जो सिग्नलिंग है ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका रोल होता है नेक्स्ट आर फोटोड्रॉपिन जीन्स देर आर टू फोटोड्रॉपिन जीन्स इन रेबिडॉपसिस दैट एग्जिबिट ओवरलैपिंग फंक्शंस इन एडिशन टू हैविंग यूनिक फिजियोलॉजिकल रोल्स ठीक है इनके ओवरलैपिंग लेपिंग फंक्शन होते हैं फोटोट्रॉपिन जीन्स के दो फोटोट्रॉपिन जीन्स हैं फोर्ट वन एंड फोर्ट टू दिज आर टर्म्ड डेज फोर्ट वन एंड फोर्ट टू अब म्यूटेशन केसेस को अगर हम स्टडी करें तो फर्स्ट है आपका फोर्ट वन म्यूटेंट फोर्ट टू म्यूटेंट फोर्ट वन टू डबल म्यूटेंट ठीक है अगर फोर्ट वन म्यूटेंट होता है ठीक है तो इट लैक्स हाइपोकोटाइल फोटोट्रॉपिजम इन रिस्पॉन्स टू ब्लू लाइट बट रिटेन्स फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स एट हाई लाइट इंटेंसिटी अगर तो लो लाइट इंटेंसिटी हो ठीक है अगर फोर्ट वन जीन में आपके म्यूटेशन हो जाए तो लो लाइट इंटेंसिटी में ये अपना काम नहीं करेगा बट अगर हाई लाइट इंटेंसिटी आएगी तो ये नॉर्मल अपना फोटोट्रॉपिक रिस्पांस शो करेगा ठीक है फोट टू म्यूटेटेंट म्यूट म्यूटेंट जो है ठीक है अगर फोट टू जीन में सिर्फ फॉर्ट टू जीन में म्यूटेशन आती है तो जो प्लांट जो है वो अपना नॉर्मल फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स करता है शो ठीक है बट अगर फोर्ट वन टू डबल म्यूटेशन हो जाए ठीक है फोर्ट वन टू डबल म्यूटेंट में क्या है इट इज़ वियरली इफेक्टेड एंड फेल्स टू एक्सिबिट एनी रिस्पॉन्स फाइन इसके बाद देखो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट जो हुई ठीक है देखो कैसे होती है इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके फोर्ट जीन्स फोर्ट वन फोर्ट टू अगर वीक लाइट हो ठीक है अगर वीक लाइट हो तो हमें ज़्यादा लाइट चाहिए ठीक है प्लांट को ज़्यादा लाइट चाहिए तो उसकी एब्जॉर्बशन को इनक्रीज करने के लिए मैक्सिमाइज करने के लिए जो फोटोट्रॉपिन जीन होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट में तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो उनके सरफेस पे आ जाते हैं ठीक है सो so, ताकि आपकी जो है लाइट uh, है वो मैक्सिमम एब्ज़ॉर्ब हो सके ठीक है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट क्या होता है ये जो है क्लोरोप्लास्ट वो साइड वॉल्स पे आ जाते हैं सरफेस पे सरफेस की जगह ताकि जो एब्जॉर्प्शन हो वो आपकी मिनिमाइज़ हो ठीक है व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज़ हाई देन द क्लोरोप्लास्ट मूव्स टू सेल सरफेस टू मिनिमाइज द लाइट एब्जॉर्प्शन फोट टू हैज़ की रोल इन दिस ठीक है इसमें फोर्ट टू का रोल होता है इसमें फोर्ट वन और फोर्ट टू दोनों इन्वॉल्व होते हैं ओके okay? ना लेट्स डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फर्स्ट देखो प्लांट्स आर एबल टू परसीव लाइट थ्रू वेरियस फोटो रिसेप्टर्स एंड डाउन स्ट्रीम जीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट इन्वॉल्व इन लाइट रिसप्शन ठीक है इनमें से कौन सा जीन है जो इन्वॉल्व नहीं होता फोटो रिसेप्टर की तरह एक्ट नहीं करता देखो फर्स्ट है पी आई एफ थ्री ये आपका फोटो रिसेप्टर ठीक है ये जो है इसका फोटोमॉर्फजेनेसिस में रोल होता है ठीक है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा फाइव ई e, ठीक है ये भी आपका फ़ोटो रिसेप्टर है क्राई थ्री ये भी आपका फोटो रिसेप्टर है एन पी आर वन देखो ये फोटो रिसेप्टर नहीं है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी नेक्स्ट इज़

देखो ये हमने आ, क्या स्टडी किया किया था कि फ़ाइटोक्रोम ए जो जीन होते हैं दैट कम्स अंडर टाइप वन एंड जो टाइप वन होती है वो डार्क में काम करती है ठीक है डार्क में एक्टिव होती है एंड दैट ओनली एक्टिव बाय गेट्स एक्टिव बाय फार रेड लाइट ठीक है सो फाइटोक्रोम ए परसीव्ज रेड एंड फार रेड लाइट तो दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग ये सिर्फ फार रेड लाइट को करती है रेड लाइट को नहीं करती ठीक है इसका मतलब इसी से देखो हमें अपना करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा बी सी एंड डी तो बाकी भी एक बारी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे फर्स्ट इज़ बी क्या है आपका फाइटोक्रोम बी प्रीडोमिनेंटली रिसीव्स रेड लाइट ठीक है फाइटोक्रोम बी जो है ये आपका टाइप टू में आता है जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी फाइटोक्रोम वाली ठीक है वो ज़रूर देख लीजिए तो आपको ये समझ आ जाएगा फाइटोक्रोम बी प्रीडोमिनेंटली परसीव्स रेड लाइट इट इज़ करेक्ट ऑप्शन क्रिप्टोक्रोम्स रेगुलेट्स प्लांट डेवलपमेंट येस इट इज़ ऑल्सो राइट फोटो आर इन्वॉल्व इन ब्लू लाइट परसेप्शन एंड क्लोरोक्लास म्यून ठीक है ये तो हमने अभी जस्ट अभी स्टडी किया है सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट इज प्लांट्स हैव इवॉल्व विद मल्टीपल फोटो रिसेप्टर्स विच कैन परसीव स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट इज फाइटोक्रोम ए कैन परसीव फार रेड एंड ब्लू लाइट ठीक है फाइटोक्रोम ए जो है ये फार रेड को और ब्लू लाइट को परसीव करता है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ठीक है फाइटोक्रोम ए हमने स्टडी किया था फार रेड लाइट को स्ट्रांगली और ब्लू लाइट को इतनी स्ट्रॉन्गली नहीं करता बट करता ज़रूर है सो फाइटोक्रोम ए कैन परसीव फार रेड एंड ब्लू लाइट ये बिल्कुल करेक्ट है आपका नेक्स्ट इज़ फाइटोक्रोम सी कैन परसीव फार रेड लाइट नो फाइटोक्रोम सी जो होता है ये रेड लाइट को परसीव करता है फार रेड को नहीं करता ठीक है इस टॉपिक को मैंने पिछली जो वीडियो थी फाइटोक्रोम वाली पार्ट वन में डिस्कस किया था इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन नेक्स्ट इज़ क्रिप्टोक्रोम वन एंड फाइटोक्रोम बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग ब्लू लाइट नो क्रिप्टोक्रोम वन जो है वो ब्लू लाइट को परसीव करते हैं बट फाइटोक्रोम जो है वो मेजरली किसको करता है रेड लाइट को ठीक है सो इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन नेक्स्ट फाइटोक्रोम बी कैन प्रीडोमिनेटली परसीव फार रेड लाइट नो फाइटोक्रोम बी जो होता है वो रेड लाइट को करता है फाइन सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए नेक्स्ट इज ब्लू लाइट रिसेप्टर क्राई वन बाइंड्स टू कॉप वन एंड एस पी ए वन कॉम्प्लेक्स बाई इंटरेक्टिंग विद सी टर्मिनल रीजन ठीक है ये हमें पता है इन अ लाइट डिपेंडेंट मैनर एंड रेगुलेट्स फोटोमॉर्फोजेनिस वी आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच वाई फाइव अब इसमें से भी हमें करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ठीक है फर्स्ट देखो क्राई वन बाइंड टू कॉप वन एंड एस पी ए वन कॉम्प्लेक्स लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ एच वाई फाइव क्राई वन जो है ठीक है वो कॉप वन और एस पी ए वन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ एच वाई फाइव सो so, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि क्राई वन जो है जब कॉप वन और एस एस पी वन के साथ बाइंड करेगा तो एच वाई फाइव की डिग्रेडेशन को रोकता है ना कि उसे डिग्रेड करवाता है ठीक है कॉप वन और एस पी ए वन डिग्रेडेशन करते हैं और क्राई वन इसके साथ बाइंड करके इसको इसकी डिग्रेडेशन को एच वाई फाइव की डिग्रेडेशन को रोकता है सो ए ऑप्शन इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट सी सी टी इज़ ओवर एक्सप्रेस एंड प्लांट्स आर कैप्टन डार्क अब मैंने इस चीज़ को जो म्यूटेंट फॉर्म है इसको डिस्कस किया था कि सी सी टी जो सी टर्मिनल डोमेन है अगर वो आपकी ओवर एक्सप्रेस कर जाए तो चाहे प्लांट्स लाइट में हो चाहे वो डार्क में हो ठीक है तब फोटोमॉर्फोजेनेसिस वो करेंगे ठीक है सो सी और डी दोनों ही आपके करेक्ट हैं सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी डी बी सी एंड डी ओके नेक्स्ट इज डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ़ प्लांट्स इंड्यूस्ड बाय लाइट इज़ कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म ठीक है सम स्टेटमेंट्स ऑन फोटोट्रॉपिज्म आर गिवन बिलो फर्स्ट इज़ फोटोट्रॉपिजम इज़ अ फोटोमॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स फोटोट्रॉपिज्म फोटोमॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स है येस है नेक्स्ट इज फोर्ट वन एंड फोर्ट टू जीन्स मीडिएट फोटोट्रॉपिज्मेस ये दोनों जीन्स मीडिएट करते हैं फोटोट्रॉपिज्म को नेक्स्ट इज क्राई वन एंड क्राई टू जीन्स ऑल दो हेल्प टू परसीव ब्लू लाइट आर नॉट इन्वॉल्व इन फोटोट्रापिज्म देखो जो क्राई वन एंड क्राई टू जीन्स हैं ब्लू लाइट को परसीव करते हैं यस yes, करते हैं एंड नॉट इन्वॉल्व इन फोटो यस, येस ये फ़ोटोड्रापिज़म में इन्वॉल्व नहीं होते ये फ़ोटो मॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं ठीक है फोटो में इन्वॉल्व कौन होता है आपका सिर्फ फॉर्ट जीन्स फोटो जो है ये सिर्फ फोटोड्रॉपिजम में इन्वॉल्व होता है क्रिप्टोक्रोम नहीं सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज प्रसप्शन ऑफ ब्लू लाइट बाई फाइटोक्रोम ए फाइट फोटो रिसेप्टर इनिशियट्स फोटोट्रोपिज्म ठीक है फाइटोक्रोम ए जो है वो फार रेड लाइट को परसीव करता है ना कि ब्लू लाइट को और ये फोटोट्रोपिज्म इन्वॉल्व नहीं होता सो इट इज रॉन्ग ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन इज ए बी एंड सी दैट इज ए नेक्स्ट इज लाइट इज क्रूशियल फॉर प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फोटो रिसेप्टर्स इन मॉडल प्लांट रेबिडॉप्सिस सो so, देखो फर्स्ट इज अमंग द इसमें भी हमने करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है फर्स्ट इज अमंग द फाइव फाइटोक्रोम जीन्स रिप्रेजेंटिंग अ जीन फैमिली फाइटोक्रोम बी प्लेयर अ प्रोमिनेंट रोल इन रेड लाइट परसेप्शन जो फाइट फाइटोक्रोम बी होता है वो रेड लाइट परसेप्शन में रोल प्ले करता है येस yes करता है सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज क्रिप्टोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ फ्लारिंग एंड हाइपोकोटाइल लेंथ यस ये भी हमने स्टडी किया था सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट नेक्स्ट इज फाइटोक्रोम ए फोटो रिसेप्टर इज़ प्री डोमिनेंटली इन्वॉल्ड इन फार रेड लाइट परसेप्शन जो फाइटोक्रोम ए है दैट इज़ इन्वॉल्व इन फार रेड लाइट परसेप्शन येस जो फाइटोक्रोम ए वाला है वो फार रेड लाइट में ही इन्वॉल्व होता है ठीक है सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट नेक्स्ट इज एलोवी डोमेन ऑफ फाइटोक्रोम सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट डोमेन फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन नो एल ओ वी डोमेन जो होता है ये फोटो सेंसरी डोमेन होती है ये लाइट को सेंस करने के लिए होती है ठीक है सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए आपकी सीरिन थ्रियोनिन काइनेस डोमेन थी वो थी सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए ना कि एल ओ वी डोमेन ठीक है सो इट इज़ रॉन्ग सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ए बी एंड सी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी ठीक है कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए